स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? ए अभिषेक वर्मा, बी सरबजोत सिंह, सी राजीव शर्मा, डी सौरभ चौधरी। आंसर बी सरबजोत सिंह। एक्सप्लेनेशन, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न। इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? ए JR, बी दीपा मलिक, सी ऋचा मिश्रा, डी देवांशी सतीजा। आंसर ए JR। एक्सप्लेनेशन, मुंबई की 16 साल की दिव्यांग JR इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने 28 से 29 जुलाई के बीच इंग्लैंड के एबॉट्सक्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डेला कोटे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में तय की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद जिया अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक है। जिया राय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता है, जो 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न। मोंगला पोर्ट टर्मिनल जिसके लिए भारत ने परिचालन अधिकार प्राप्त किए हैं, वह कहां स्थित है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर सी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के ऑपरेशन का अधिकार जीत लिया है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कामयाबी है और ये एक ऐसा कदम है जिसका क्षेत्रीय गतिशीलता खास तौर पर चीन को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए बड़ा प्रभाव है। मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद हाल के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत को मिली तीसरी बड़ी कामयाबी है। अगला प्रश्न। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? ए कोझिकोड, बी इडुक्की, सी मलप्पुरम, डी वायनाड। आंसर डी वायनाड। एक्सप्लेनेशन, 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन ने केरल के पर्यटन स्थल वायनाड में करीब 3 गांवों को तहस नहस कर दिया। इन भूस्खलनों के परिणाम स्वरूप 276 से अधिक मौतें हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे ये केरल के इतिहास में सबसे घातक भूस्खलन बन गए। अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत के लिए तीसरा पदक जीतने वाला कौन है? ए सरबजोत सिंह, बी सौरभ चौधरी, सी राजीव शर्मा, डी स्वप्निल कुसले। आंसर डी स्वप्निल कुसले। एक्सप्लेनेशन, अपना पहला ओलंपिक खेल रहे भारत के स्वप्निल कुसले ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में भारत को पहली बार कांस्य पदक दिलाया। क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पर रहे स्वप्निल ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का इन खेलों में ये तीसरा कांस्य है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था। भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? ए कंबोडिया, बी सिंगापुर, सी लाओस, डी थाईलैंड। आंसर सी लाओस। एक्सप्लेनेशन, भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव रखने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस रामलला पर टिकट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। टिकट पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजित रामलला की प्रतिमा दर्शाई है। भगवान राम के साथ ही महात्मा बुद्ध पर भी पोस्टल स्टैंप जारी किया गया। लाओस के उप प्रधानमंत्री सेलुमिक्से कोमासित और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये विशेष डाक टिकट जारी किए। लाओस की यात्रा पर गए जयशंकर ने एक्स पर यह जानकारी दी। अगला प्रश्न। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? ए तरंग शक्ति 2024, बी गरुड़ शक्ति 2024, सी युद्ध अभ्यास 2024, डी विजय शक्ति 2024। आंसर ए तरंग शक्ति 2024। एक्सप्लेनेशन, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दो चरणों में आयोजित कर रहा है। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक सुलूर, दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। तरंग शक्ति अभ्यास में LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल भाग लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न। UPSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया?
ए विभा अडवाणी, बी जयंती पटनायक, सी ममता शर्मा, डी प्रीति सुदान। आंसर डी प्रीति सुदान। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति ने यूपीएससी की सदस्य प्रीति सुदान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 1 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल 2025 तक जो भी पहले हो यूपीएससी के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। प्रीति सुदान 29 नवंबर 2022 से यूपीएससी मेंबर के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न: हमास नेता का नाम क्या है जो हाल ही में ईरान में मारा गया? ए खालिद मिशाल, बी इस्माइल हानिया, सी मसूद पेजेशिकियन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी इस्माइल हानिया। एक्सप्लेनेशन: हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को बुधवार सुबह तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया। वे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। हमास चीफ को मारने के लिए इजरायल ने बहुत पहले से प्लानिंग बनाई थी। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट की मदद से हानिया का काम तमाम कर दिया गया। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा है। अगला प्रश्न: भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतिम ग्रुप मैच में किस टीम को हराया? ए बेल्जियम, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन: भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले 1972 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। क्वार्टर फाइनल से पहले हरमनप्रीत सिंह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल से पहले जीत की पटरी पर वापसी कर ली है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। आंसर ए 22 जुलाई 1947। एक्सप्लेनेशन: पिंगली वेंकैया ने 1 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी को यह ध्वज भेंट किया था। ध्वज का अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की बैठकों में उपयोग किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय तरबूज दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 4 अगस्त, डी 5 अगस्त। आंसर बी 3 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन स्वादिष्ट और ताजगी देने वाले फल का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है जिसका इतिहास प्राचीन मिस्र से जुड़ा है। इसकी खेती 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। तरबूज की पहली फसल लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में उगाई गई थी। पहले तरबूज के बीज अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में व्यापार मार्गों से गुजरने वाले व्यापारियों को बेचे जाते थे। अगला प्रश्न: भारत दुनिया का कौन सा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर बी दूसरा। एक्सप्लेनेशन: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल जून में 10.28 लाख टन थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न: किस शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ए नैनीताल, बी शिमला, सी देहरादून, डी कश्मीर। आंसर डी कश्मीर। एक्सप्लेनेशन: कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल कद्दूमी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियां ने भाग लिया। इससे पहले जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। अगला प्रश्न: पुरुष टी20 एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण का आयोजन किस देश में होगा? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत 2025 में टी20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा, जो 2026 में देश में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण IOI में इसकी घोषणा की।
एशिया कप को हमेशा वैश्विक आयोजन की तैयारियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसी प्रारूप में खेला जाता है जिसमें विश्व कप आयोजित किया जाएगा। भारतीय अनुदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 3 अगस्त, डी 4 अगस्त। आंसर सी 3 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: दुनिया में प्रत्येक 39 मिनट में एक व्यक्ति का जीवन अंग में विकार से समाप्त हो रहा है। इन्हें अंगदान से नया जीवन मिल सकता है। कुछ वर्षों में अंगदान को लेकर पहल हुई है। ब्रेन स्टेम डेथ और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मिथकों को दूर करने और मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 से भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न: हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? ए 30 जुलाई, बी 1 अगस्त, सी 2 अगस्त, डी 31 जुलाई। आंसर बी 1 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर्वतारोहण के इतिहास और रोमांच की भावना की याद दिलाता है। ये दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में खासतौर से मनाया जाता है। ये दिन पर्वत संरक्षण, सुरक्षा प्रथाओं और जिम्मेदार चढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम करता है। अगला प्रश्न: हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए विकास लखेरा, बी रागनी सोनकर, सी उमेश दयाल, डी राधामणि शंकर। आंसर ए विकास लखेरा। एक्सप्लेनेशन: लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने बुधवार को असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त पीसी नायर का स्थान लेंगे। 1990 में 4 सिख खिलाई में कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा NDA में डिवीजन ऑफिसर, उप सैन्य सलाहकार और कोहिमा में AR उत्तर के महानिरीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न: हाल ही में कहा गोयम बिना मूल्य विज येवजन योजना शुरू हुई है? ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गोयम विनामूल्य विज येवजन की शुरुआत की। गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है। इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न: हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? ए अग्रोटेक, बी जोमैटो, सी रैपिडो, डी ओला। आंसर सी रैपिडो। एक्सप्लेनेशन: फिनटेक पफियोस और AI अपस्टार्ट कुट्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेनदेन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? ए स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, बी चुनाव में धांधली, सी पर्यावरण नीतियां, डी आर्थिक सुधार। आंसर ए। एक्सप्लेनेशन: बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने वालों को मुक्ति योद्धा कहा जाता है। बांग्लादेश में मुक्ति योद्धा के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण है, जिसका यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क था कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, नौकरी मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में 2018 में इस व्यवस्था को खत्म किया गया था, लेकिन ढाका हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद इसे लेकर विरोध शुरू हुआ। अगला प्रश्न: नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, सी गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना, डी नए बांध बनाने के लिए। आंसर बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। एक्सप्लेनेशन: नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए गंगा नदी का कायाकल्प, प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। अगला प्रश्न: पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? ए 62 किलोग्राम, बी 57 किलोग्राम, सी 53 किलोग्राम, डी 50 किलोग्राम। आंसर डी
50 किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके 50 ग्राम अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमेन लोपेस को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। फाइनल से विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मेडल मैच सारा एन हिल्डेब्रांडट और यूसनेलिस गुजमेन लोपेज क्यूबा के बीच होगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए जनरल वकर उज्जमान, बी खालिदा जिया, सी मोहम्मद यूनुस, डी जिया और रहमान। आंसर सी मोहम्मद यूनुस। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वहीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 9 अगस्त। आंसर बी 7 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ए मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से, बी हलाला कानून में संशोधन से, सी मुसलमान हज यात्रियों से, डी 3 तलाक कानून से। आंसर ए मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से। एक्सप्लेनेशन, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 21 अगस्त। आंसर बी 7 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। ये दिन हथकरघा बुनकरों के कौशल और समर्पण का जश्न मनाने का एक अवसर है। ये खास दिन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ए भारतीय विज्ञान संस्थान टीम, बी इसरो मंगलयान टीम, सी इसरो चंद्रयान 3 टीम, डी डीआरडीओ टीम। आंसर सी इसरो चंद्रयान 3 टीम। एक्सप्लेनेशन, इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके काम के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल। आंसर डी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद इस पद को संभाला था। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ए जर्मनी, बी स्पेन, सी बेल्जियम, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 जुलाई को स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 52 साल बाद भारतीय टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी टीम कांस्य लाने में सफल रही थी। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता?
ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई पदक नहीं। आंसर बी रजत। एक्सप्लेनेशन। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में 89.45 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए। अगला प्रश्न। किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर को दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग का एम्बेसडर घोषित किया गया? ए एमएस धोनी, बी विद्यमान साहा, सी दिनेश कार्तिक, डी पार्थिव पटेल। आंसर सी दिनेश कार्तिक। एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को लीग का एम्बेसडर घोषित किया है। 39 वर्षीय पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट का गहरा ज्ञान है, जो 2008 में इसकी शुरुआत से ही इंडिया प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने 16 साल के IPL करियर के दौरान 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। वह साउथ अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA20 का तीसरा सीजन खेलते नजर आएंगे। इसी के साथ वह SA20 खेलने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। अगला प्रश्न। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिलीपींस, डी फिजी। आंसर डी फिजी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। मुर्मू को ये सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातु विलियम नेवालिनी काटोलिवेरे ने दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दक्षिण प्रशांत राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान फिजी की संसद को भी संबोधित किया। भारत के राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर गिरमिटिया मजदूरों के योगदान की सराहना की तथा प्रवासी भारतीय समुदायों के महत्व पर बल दिया। फिजी और मॉरिशस जैसे स्थानों पर भेजे जाने वाले भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह, डी PR श्रीजेश। आंसर ए हरमनप्रीत सिंह। एक्सप्लेनेशन। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। आंसर बी 35। एक्सप्लेनेशन। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी गई थी। इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना, बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, सी भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, डी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। आंसर बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। एक्सप्लेनेशन। नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ाया जा सके। सरकार ने इस अभियान में भाग लेकर देश के सभी नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा फहराने और झंडे के साथ एक सेल्फी क्लिक कर इसे harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ए अमन सहरावत, बी सुशील कुमार, सी नीरज चोपड़ा, डी PV सिंधु। आंसर ए अमन सहरावत। एक्सप्लेनेशन। 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए। उन्होंने PV सिंधु को पीछे छोड़ते हुए 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड PV सिंधु के नाम था, जिन्होंने 22 साल की उम्र में मेडल जीती थी।
अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 4 लाख, बी 5 लाख, सी 6 लाख, डी 7 लाख। आंसर बी 5 लाख। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले यूपीआई के लिए भुगतान सीमा 1 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी FSSAI, सी NEFED, डी NCDC। आंसर डी NCDC। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। बता दें कि महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? ए गति शक्ति, बी वज्र प्रहार, सी पर्वत प्रहार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी पर्वत प्रहार। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना ने हाई अल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है। पर्वत प्रहार माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर देता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? ए जापान, बी USA, सी चीन, डी फ्रांस। आंसर बी USA। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। USA पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा, वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए 70वें, बी 71वें, सी 72वें, डी 73वें। आंसर बी 71वें। एक्सप्लेनेशन, ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जेवलिन थ्रो में 1 रजत पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर सी 12 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर ए 10 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत संरक्षणवादी डेरेक और बेवली जॉबर्ट ने नेशनल ज्योग्राफिक की बिग कैट पहल के साथ की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ए जगदीप धनखड़, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी
किरेन रिजिजू। डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए जगदीप धनखड़। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 अगस्त सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। इस रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे देश भर के घरों में तिरंगा फहराने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? ए कर्नाटक और तेलंगाना, बी कर्नाटक और केरल, सी तेलंगाना और केरल, डी तेलंगाना और महाराष्ट्र। आंसर बी कर्नाटक और केरल। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुनचुंडिरी और केरल के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। दिल्ली में मोरों की मौत के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा को बताया कि उनकी मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि लू से हुई है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय डाक, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, डी दिल्ली मेट्रो। आंसर सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह इस पहल के तहत यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल के QR कोड आधारित टिकट को भारतीय रेलवे IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का पूर्ण संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत यात्री 120 दिन पहले मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट यात्रा की तारीख से 4 दिन के लिए वैध होंगे। अगला प्रश्न, किस महासागर संरचना का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आंसर डी हिंद महासागर। एक्सप्लेनेशन, भारत ने हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भूवैज्ञानिक संरचनाओं के नाम प्रस्तावित किए हैं। अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु रिज तीसरी संरचना है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC ने हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तावित नामों को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर अब हिंद महासागर में 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ए गस एटकिंसन, बी सूर्य कुमार यादव, सी बेन स्टोक्स, डी जो रूट। आंसर ए गस एटकिंसन। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2024 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यह अवार्ड जीता। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? ए 76वां, बी 77वां, सी 78वां, डी 79वां। आंसर सी 78वां। एक्सप्लेनेशन, 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। तभी से हर साल इस ऐतिहासिक दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये देखते हुए कि हम स्वतंत्रता के 77 साल मना रहे हैं, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ए गौरव, बी निर्भय, सी प्रहार, डी शौर्य। आंसर ए गौरव। एक्सप्लेनेशन, DRDO ने 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के सूत्र TMKI प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण ओडिशा के तट पर हुआ। लंबी दूरी के ग्लाइड बम स्मार्ट बम है जो वायुसेना को ऐसे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं जो पारंपरिक हथियारों की पहुंच से परे हैं। इस बम के सफल परीक्षण से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगला प्रश्न, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी PR श्रीजेश, सी अजय कुमार, डी
हार्दिक सिंह। आंसर बी पी आर श्रीजेश। एक्सप्लेनेशन, हॉकी इंडिया काइट ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के रिटायर गोलकीपर पी आर श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। बता दें कि पी आर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। साथ ही श्रीजेश के सम्मान में 16 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में श्रीजेश आखिरी बार उतरे थे। अगला प्रश्न, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? ए 2028 लंदन, बी 2028 मेलबोर्न, सी 2028 न्यूयॉर्क, डी 2028 लॉस एंजल्स। आंसर डी 2028 लॉस एंजल्स। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खत्म हुए 2024 के ओलंपिक खेलों के बाद अब 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होना है। ये शहर तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेगा, पहले 1932 और 1984 में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों में फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया। राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार देउड रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग लगभग 20,000-10,000 साल पहले का है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर बी 14 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, विभाजन के दर्द को याद करने के लिए और लोगों को उस दौर के माहौल को दिखाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में तीन और आर्द्र भूमियां जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। आंसर सी 85। एक्सप्लेनेशन, भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइटों की सूची में तीन और आर्द्र भूमियां जोड़ी हैं। इनमें तमिलनाडु के नांजारान और काजूमेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 हो गई है। भारत के रामसर स्थल में चिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा देश में खोजा गया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी ब्राजील, डी तुर्की। आंसर एक्सप्लेनेशन, तुर्की में पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। ये कैलेंडर 12,000 साल पुराने पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है जिसे पुरातत्वविदों ने तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा है। यह मानव सभ्यता की समय रेखा को फिर से लिखने में मदद करेगा। इस कैलेंडर के अनुसार प्राचीन मानव 150 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में प्रलेखित होने से पहले समय का ट्रैक रखने के लिए सटीक तरीकों का पालन करते थे। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने चावल की कौन सी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है? ए अर्बोरियो, बी जैस्मीन, सी बोम्बा, डी ढाला हीरा। आंसर डी ढाला हीरा। एक्सप्लेनेशन, तुर्की वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने चावल की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE में प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ संबंधित लक्षणों और जीनों की खोज की है। ढाला हीरा किस्म उच्च NUE और कम विकास अवधि दोनों का दावा करती है। कृषि स्थिरता में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया? ए मलेशिया, बी कनाडा, सी थाईलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए मलेशिया। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMF के सहयोग से 05 से 9 अगस्त 2024 तक कुआतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में IAF ने Su-30M के AI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है।
फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ए. राहुल वी. चितला, बी. मनोज बाजपेयी, सी. ऋषभ शेट्टी, डी. सूरज शर्मा। आंसर: सी. ऋषभ शेट्टी। एक्सप्लेनेशन: 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला। दक्षिण कन्नड़ के काल्पनिक गांव में स्थापित कंतारा में शेट्टी का किरदार, जो एक कम्बाला चैंपियन का किरदार निभाता है, जिसका एक ईमानदार वन रेंज अधिकारी के साथ आमना सामना होता है। अगला प्रश्न: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. मोर्ने मॉकल, बी. प्रवीण कुमार, सी. डेल स्टेन, डी. ग्रेट ली। आंसर: ए. मोर्ने मॉकल। एक्सप्लेनेशन: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मॉकल को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। मॉकल की नियुक्ति से भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ पूर्ण हो गया। इसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर के अलावा फील्डिंग कोच थी दिलीप और सहायक कोच के रूप में रायन टेन देशकाटे और अभिषेक नायर शामिल हैं। अगला प्रश्न: 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? ए. ब्रह्मास्त्र, बी. गुलमोहर, सी. उचाई, डी. बारह बी फिल्म। आंसर: बी. गुलमोहर। एक्सप्लेनेशन: 16 अगस्त को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। ये एक परिवार की कहानी है जिसमें उनके बीच के रिश्तों और भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। नेशनल अवार्ड विनर को एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इसके साथ साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न: भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. संजय वर्मा, बी. राजीव कुमार, सी. अनिल कुमार, डी. गोविंद मोहन। आंसर: डी. गोविंद मोहन। एक्सप्लेनेशन: 14 अगस्त 2024 को सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी गोविंद मोहन को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। अगला प्रश्न: किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. पश्चिम बंगाल। आंसर: सी. बिहार। एक्सप्लेनेशन: बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BSBRT को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। BSBRT राज्य के विधि विभाग के अधीन कार्य करता है। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और ट्रस्टों को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? ए. महाशिवरात्रि, बी. श्रावण पूर्णिमा, सी. नवरात्रि, डी. दिवाली। आंसर: बी. श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन: वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 19 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, सूर्योदय के समय पूजा के साथ संपन्न हुई। पिछले 52 दिनों से चल रही अमरनाथ यात्रा में लगभग 5 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। महंत स्वामी दीपेंद्र गिरी द्वारा ले जाई गई छड़ी मुबारक, भगवान शिव की चांदी से बनी गदा ने सोमवार सुबह पंचतरणी से पवित्र गुफा तक अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। इस वर्ष ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न: कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. मणिपुर, डी. ओडिशा। आंसर: डी. ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला बिहार और केरल के बाद तीसरा राज्य बन चुका है। महिला कर्मचारियों को एक दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन लिया जा सकता है। भाजपा सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य नीति शुरू करने का वादा किया था। अगला प्रश्न: सरकार आयुष को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल करेगी? ए. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, बी. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सी. आयुष्मान भारत योजना, डी. जननी शिशु सुरक्षा योजना। आंसर: सी. आयुष्मान भारत योजना। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत शामिल करने का फैसला किया है। ABPMJAY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
इससे 12.34 करोड़ परिवारों के अनुरूप 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ए अट्टम, बी गुलमोहर, सी कंतारा, डी ऊंचाई। आंसर ए अट्टम। एक्सप्लेनेशन, आनंद एकाशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म अट्टम ने यौन हिंसा को संबोधित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें विनय फोर्ट, कलाभवन शजोहन, जरीन सिहाब और जॉली एंटनी जैसे कई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अहम किरदारों में मौजूद हैं। अगला प्रश्न, ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू के कौन से वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? ए डेंगी ऑल, बी ऑल डेंगी, सी डेंगी प्री, डी प्री डेंगू। आंसर ए डेंगी ऑल। एक्सप्लेनेशन, ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल का चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। इस परीक्षण में पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? ए बुखार, सिरदर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स, बी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, सी मतली और चक्कर आना, डी दस्त और उल्टी। आंसर ए बुखार, सिरदर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। एक्सप्लेनेशन, एमपॉक्स मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से और कभी कभी पर्यावरण से लोगों में उन चीजों और सतहों के माध्यम से फैल सकता है जिन्हें एमपॉक्स वाले व्यक्ति ने छुआ है। इसके प्रारंभिक लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट है। अगला प्रश्न, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? ए अक्षय तृतीया, बी श्रावण पूर्णिमा, सी मकर संक्रांति, डी दशहरा। आंसर बी श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन, विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो आमतौर पर रक्षा बंधन के साथ मेल खाता है। इस वर्ष यह 19 अगस्त 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के युवराज सिंह का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ए डेरियस विसर, बी निकोलस पुरन, सी किरोन पोलार्ड, डी दीपेंद्र सिंह एरी। आंसर ए डेरियस विसर। एक्सप्लेनेशन, समोआ के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसर ने 20 अगस्त को वनातू के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया। विसर ने साथ ही युवराज द्वारा 17 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन बनाने का को भी तोड़ दिया। इसके अलावा वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड ने 2021 में, निकोलस पुरन ने 2024 में और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 2024 में एक ओवर में 36-36 रन बटोरे थे। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए मनीष नवाल, बी देवेंद्र झाझरिया, सी नीरज चोपड़ा, डी सुमित अंतिल। आंसर डी सुमित अंतिल। एक्सप्लेनेशन, भारत की पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी राजीव गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी महात्मा गांधी। आंसर बी राजीव गांधी। एक्सप्लेनेशन, 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? ए बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, बी बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे की कमी, सी मौसम संबंधी चिंताएं, डी वित्तीय मुद्दे। आंसर ए बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है।
मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में होगा। अगला प्रश्न, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ए, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। बी, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। सी, एक विशेष पुलिस बल। डी, एक सरकारी समिति। आंसर, बी, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। एक्सप्लेनेशन, 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह फैसला कोलकाता के आर जी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है। अगला प्रश्न, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? ए, दक्षिण अफ्रीका। बी, अल्जीरिया। सी, सूडान। डी, नाइजीरिया। आंसर, सी, सूडान। एक्सप्लेनेशन, सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने कई सप्ताह तक भारी बारिश के बाद हैजा को महामारी घोषित किया। सूडान में हैजा के प्रकोप से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। हैजा एक तेजी से विकसित होने वाला अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है जो गंभीर दस्त, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। ये भोजन या पानी पीने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर, डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली हवाई अड्डे ने 2024 में स्तर 5 शुद्ध शून्य उत्सर्जन मान्यता प्राप्त कर ली है। हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना था। कई उपायों के माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। IGIA ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत ये दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 अगस्त को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की? ए, हिमाचल प्रदेश। बी, हरियाणा। सी, पंजाब। डी, उत्तराखंड। आंसर, सी, पंजाब। एक्सप्लेनेशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे, जो मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। इस पहल से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 5,34,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य ने इस नए कार्यक्रम के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए, 4 अक्टूबर। बी, 15 सितंबर। सी, 23 अगस्त। डी, 20 जुलाई। आंसर, सी, 23 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों विशेष रूप से भारत की प्रगति को उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए, सतारा। बी, कोल्हापुर। सी, सोलापुर। डी, सांगली। आंसर, ए, सतारा। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी MSEDCL ने प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न, CA क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ए, यशस्वी जायसवाल। बी, रोहित शर्मा। सी, विराट कोहली। डी, KL राहुल। आंसर, बी, रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वें सीएट वर्ष 2023-24 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। सीएट क्रिकेट पुरस्कार 1995-96 में शुरू किया गया था और यह RP गोयनका समूह की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की? ए, शुक्र। बी, बृहस्पति। सी, शनि। डी, मंगल। आंसर, डी,
मंगल। एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिकों ने पहली बार मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज की है। एक नए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत के अंदर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी, अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज PNAS पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये परत मंगल ग्रह की परत में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायिका को 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा? ए शंकर महादेवन और अलका याग्निक, बी अनु मलिक और सुनिधि चौहान, सी उत्तम सिंह और KS चित्रा, डी AR रहमान और श्रेया घोषाल। आंसर सी उत्तम सिंह और KS चित्रा। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को यहां एक समारोह में सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। राज्य संस्कृति विभाग हर साल मंगेशकर की जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। उत्तम सिंह को 2022 का मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि चित्रा को 2023 का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में UPS का क्या अर्थ है? ए एकीकृत भुगतान प्रणाली, बी संघ भुगतान योजना, सी यूनिवर्सल पेंशन सेवा, डी एकीकृत पेंशन योजना। आंसर डी एकीकृत पेंशन योजना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दे दी। UPS के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? ए 50%, बी 55%, सी 60%, डी 65%। आंसर सी 60%। एक्सप्लेनेशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा NPS के साथ ही लागू रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण भारत के लिए आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू को BR हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया जाएगा? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। आंसर डी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन, 25 अगस्त को कर्नाटक के BR हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र THRC में कानू का शुभारंभ किया जाएगा। कानू दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र बनने जा रहा है। कानू का मतलब कन्नड़ और सोलिगा दोनों भाषाओं में सदाबहार जंगल है। कानू का लक्ष्य दक्षिण भारतीय आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में पहला ज्ञान केंद्र बनना है। अगला प्रश्न, सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ए विराट कोहली, बी यशस्वी जायसवाल, सी शुभमन गिल, डी रोहित शर्मा। आंसर ए विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, विराट कोहली को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि मोहम्मद शमी को वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर चुना गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी KL राहुल। आंसर ए शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच दिसंबर 2022 में खेला था। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले। वे 2010 में एक दिवसीय में पदार्पण किया तथा सभी प्रारूपों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,867 रन बनाए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनोद कुमार यादव, बी जया वर्मा सिन्हा, सी सतीश कुमार, डी सुरेश प्रभु। आंसर सी सतीश कुमार। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMAs के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है।
उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 को शुरू होगा। वे जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी। अगला प्रश्न, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? ए 200 चैनल, बी 500 चैनल, सी 650 चैनल, डी 730 चैनल। आंसर डी 730 चैनल। एक्सप्लेनेशन, 28 अगस्त 2024 को देश में एफएम रेडियो के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 स्थानों पर 730 एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरोही बढ़ती हुई बोली ई नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत छोटे और मध्यम आकार के शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में सूचना और मनोरंजन का प्रसार और अधिक प्रभावी हो सकेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर सी 5। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 26 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। नए जिलों का नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होगा। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी शैफाली वर्मा, डी दीप्ति शर्मा। आंसर ए हरमनप्रीत कौर। एक्सप्लेनेशन, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेगी। स्मृति मंधाना उप कप्तान के रूप में उनके साथ होंगी। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। टूर्नामेंट का नौवां संस्करण UAE में 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। सबसे कम उम्र के ICC के चेयरमैन कौन बने? ए सौरव गांगुली, बी जय शाह, सी ग्रेग बाकले, डी रोजर बिन्नी। आंसर बी जय शाह। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ग्रेग बाकले का स्थान लिया है, जिन्होंने तीसरी बार इस पद के लिए नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? ए 28 अगस्त 2014, बी 1 जुलाई 2014, सी 26 जनवरी 2015, डी 2 अक्टूबर 2016। आंसर ए 28 अगस्त 2014। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। ये योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन NMFI है। इसका मकसद हर बैंकविहीन वयस्क को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। इस योजना के तहत वंचित वर्गों को मूल बचत बैंक खाता, जरूरत के हिसाब से ऋण, पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, बीमा, पेंशन इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी सूरत गुजरात, सी पालघर महाराष्ट्र, डी दहानू महाराष्ट्र। आंसर सी पालघर महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पालघर महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और क्षमता के कारण कई पहलुओं में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने वाला है। वधावन बंदरगाह 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह होगा। ये बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। इस बंदरगाह से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ए सचिन तेंदुलकर, बी ध्यानचंद, सी PT उषा, डी मिल्खा सिंह। आंसर बी ध्यानचंद। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति अद्वितीय कौशल और समर्पण ने हॉकी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी।
वर्ष 1926 से 1948 तक अपने खेल करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज्यादा गोल किए और भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। अगला प्रश्न। प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? ए महिला शक्ति दीदियां, बी उद्यमी दीदियां, सी किसान दीदियां, डी लखपति दीदियां। आंसर डी लखपति दीदियां। एक्सप्लेनेशन 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,100,000 नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए का ऋण देती है जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। अगला प्रश्न। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है जिसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? ए सुंदर पिचाई, बी पावेल ड्यूरोव, सी जैक डोसी, डी मार्क जुकरबर्ग। आंसर बी पावेल ड्यूरोव। एक्सप्लेनेशन लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव को हाल ही में ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें सशर्त छोड़ दिया गया। ड्यूरोव पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी के 12 मामले दर्ज है। 39 साल के ड्यूरोव रूस के रहने वाले हैं, लेकिन 2014 में उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया था। अब वो सऊदी अरब में रहते हैं।